इतना एक्सपेक्टेशन था वैसे। सिद्धांत देखो मेरे को लगा कि छोटा है, मेरे को लगा साकेत से बस थोड़ा लंबा है। एंड ये तो D4 इन्फ्लुएंसर चेकलिस्ट, लेकिन ओह वाओ अच्छा हॉस्टल है ना प्रॉपर नीचे गोरिल्ला पॉड एंड यू आर गुड। यहां व्यू भी बड़ा अच्छा, मतलब दिन में दिखेगा सुबह। वाओ इफ यू वांट अच्छा दोनों के पास है, ब्यूटीफुल है ना, लवली यार, लवली लवली, अनबिलीवेबल। कितनी ठंडी है यार। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऋषिकेश। आज पहला व्लॉग है, यश आई थिंक नीचे सो गया है। मैं और सिद्धांत एक्सप्लोरर्स की तरह यहाँ पर टेरेस पे आ गया है। सी बिकॉज़ क्योंकि ये पहली मॉर्निंग है, वी कांट मिस द सनराइज, राइट? सनराइज तो मैंडेट। मैं खुद को फॉरगिव नहीं कर पाऊंगा अगर मैं मिस करूंगा तो। उधर लगाने वाला है, ऐसे छोड़ देगा, उधर लगाऊंगा। सन गिर गया तो खत्म, गिर गया तो फिर मैं खत्म, मेरा कैमरा खत्म, मेरी मेरा जितना पैसा। सबसे पहले यश को एक बहुत बड़ा थैंक यू ये सारी जगह अरेंज करने के लिए। अगर आपने यश के चैनल को चेकआउट नहीं किया जरूर कीजिए, हम इसके चैनल के लिए दो मजेदार चैलेंज वीडियो शूट करने वाले हैं। Stay tuned for some amazing content and welcome to my channel यश। हम पहली बार ऑफिशियली मिले हैं, so but we are in touch from like 2 years, two years, हाँ, two years in touch. और आप में से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इतना बड़ा कोलैबोरेशन। पहला ब्रेकफास्ट इस व्यू के साथ, दोनों यश सो रहा है क्योंकि ट्रेन में इन लोगों ने अपेरेंटली बहुत ज्यादा मस्ती की। मुझे उठाने की भी कोशिश की पर मैं नहीं उठा, बीइंग द स्मार्ट किड आई स्लेप्ट। इन लोगों ने तंदूरी चाय पी, इसको याद नहीं, बहुत सही थे भाई, बहुत तंदूरी चाय मैंने कभी सुना भी नहीं था, बहुत अच्छी थी। वाओ यार क्या पिन्नी, बेसिकली लाइक व्हीट लड्डूस, काफी सारा आटा डलता है, काफी सारी घेव जैसे पंजाबी में बोलते हैं, उसमें बादाम वगैरह डलते हैं, बहुत बहुत मीठी होती है, लाइक बहुत जुड़े डलते हैं, उसको अगर तुम थोड़ा सा माइक्रोवेव करके खाओ ना बहुत सॉफ्ट सी होती है एंड मेल्ट हो जाती है पूरे मुंह में जाकर, पैक करा के पूरा ये पैकेट में। Will you do the honors? पूरी का भाई, पूरी नहीं, आधी नहीं, आधी नहीं, पूरी का, पूरी रख 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 इसको वापस। ठीक है ठीक है, थैंक यू नानी, मनोज भी खाएगा हमारे साथ। Cheers, cheers, thank you नानी। खा भाई। Exaggerated reaction ना बस ये। मेरा कभी नहीं रहता, मैं फूड को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू नानी एक और बार। Hopefully आप ये वीडियो देखोगे। Breakfast is served. चलो guys eat. So आज का breakfast होने वाला है दो एग वाइट्स और एक होल है कि दो ऑमलेट मेरे और सिद्धांत के लिए और मनोज का भी सेम। हाँ मनोज जी की खाएगा, हमारे ऐसे टोटल 6 अंडे का प्रॉपर ऑमलेट हो गया और 4 स्लाइस दो स्लाइस टोस्ट, थोड़ा सा बटर लगा हुआ है इसमें, तो कार्ब्स, थोड़ा गुड फैट्स, प्रोटीन और केचप, उसके बाद मैं केचप वाला हूं, केचप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाउ कैन वी फॉरगेट, चाय मसाला चाय, मसाला चाय, और ये बिस्किट्स भी लाया, डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो मेरे फेवरेट है। थैंक यू, बट आई थिंक लग रहा कम पड़ेगा डुबो के रखो ना वो ऐसे नीचे टूट के गिरता है, मैं दो दो ऐसे सैंडविच बना के डालता हूँ तभी गिर जाता है पार्ले जी। तो अभी बेस्ट ऑफ 3, ठीक है ना, दो मैच अच्छा बेस्ट ऑफ 3 हो गया अभी अचानक स्टार्टिंग से बोलता हूं, पहले पहली बार खेलने से पहले बोलता अच्छा अच्छा रेडी, दैट वाज जस्ट अ वार्म अप मैच। जिम का क्या सीन है, कोई है पास में? पास में है मेरे जान पहचान यश, तू और मैं रह चुके हैं केवल ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करके आते हैं हम दोनों ही बच्चे। हां अच्छा, ये मैंने क्या उर्दू में बोला था, हां यश ठीक है। तो प्रियंका ने हम सबके लिए एक एक भिजवाया है, अब इसके अंदर क्या है वो पता चलेगा। मजा आएगा यार, वो वाओ डैम डैम भाई साहब, एक एनर्जी बार। ओ यस, ये मुझे देख यार, इसीलिए प्रियंका ने मुझे डेट ऑफ बर्थ पूछा, इसीलिए प्रियंका, थैंक यू सो मच,
और आज पता है आज सुबह यश ने जब मरून पहना था ना मैं सोच रहा था कि मुझे ये सेम कलर चाहिए, इसीलिए मैंने यश को पूछा ये कब रिलीज हो रहा है और मुझे कोइंसिडेंटली सेम प्लस नाम के साथ फिटिंग तो देख लो भाई। ये मेरा आज तक का सबसे फेवरेट टी शर्ट है, हर टी शर्ट के पीछे सबका नाम लिखा है, फिट्स परफेक्टली और मेरे डेल्ट के जेनेटिक्स अच्छे होने की वजह से एकदम सुपरमैन टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है। और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास और कुछ चीजें हैं, काफी सारे स्नैक्स भेजे हैं, सो एक ब्राउनी एनर्जी बार, एक और ब्राउनी, एक और एनर्जी बार, थोड़े से मिक्स्ड फ्रूट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बिकॉज आई डोंट थिंक हम यहाँ पर ज्यादा सब्जियां खाने वाले हैं, और वी हैव म्यूसली जो मैंने बहुत सारे सालों में नहीं खाया है। सो एक और बार प्रियंका थैंक यू सो मच, वेरी वेरी sweet of you, I hope you are watching this video. अभी इतनी सारी training related बातें करने के बाद मैं सबके साथ workout लगाने के लिए बहुत ज्यादा excited हूँ। आज का plan थोड़ा सा simple रखेंगे, ज्यादा कुछ intense adventurous नहीं करेंगे क्योंकि सब travel करके आ चुके हैं। सौरभ भी just अभी अभी आया, आप लोगों ने देखा होगा कैसा लग रहा है, क्या बोल रहे हैं यार, यकीन नहीं हो रहा है ना ऐसे बीच बीच में moments में। दो साल से ड्रीम किया था ऐसा भी एक दिन आएगा, आ गया दिन, we'll be together. और अभी फाइनली वो दिन आ गया है, सब साथ में है, बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग जर्मन बेकरी जा रहे हैं कॉफी पीने, और ट्रैवल करके सब लोग थक चुके हैं और बहुत सारा ब्लॉग बनाकर भी कॉफी पीकर वापस आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर जिम करेंगे। यश हमारा ऑफिशियल टूर गाइड है, ये यहाँ पर आ चुका है, इसने सब प्लान उसके दिमाग में बनाया है। कैपुचिनो बहुत फर्क होता है। ए चलो चलो चलो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई नहीं की चीज, मैं आ रहा हूँ, चल चल। कह रहा हूँ किसी ने शॉर्ट्स नहीं डाले मेरे जैसे, सॉरी क्या अंदर ने शॉर्ट्स नहीं डाले तेरे जैसे, तेरे जैसे कास किसी के पास नहीं है ना, मैं ट्रेन भी नहीं करता आपका, क्या फ्लेक्स कर रहा है फुटबॉलर। और अब फूड डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा। हां मैं इसलिए रख रहा हूं, कोई नहीं है, नो वुडन, अरे अरे क्या करना है यश, कोई नहीं है, करने में प्रॉब्लम ना है ज्यादा। भैया कुछ मिलेगा खाने को? कुछ नहीं मिलेगा, लंच 5 कार्ब्स काफी हो रहा है, वो लग रहा है भाई। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम सब इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि हम आपस में ही इतनी बातें कर रहे हैं, अभी 5 बज गया है, 2-3 घंटे ऐसे ही चले गए, और उनका जो ऑफिशियल लंच टाइम होता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, किचन चालू नहीं है, इसीलिए प्रियंका ने जो भी दिया वो हमारा प्री वर्कआउट मील होगा और फिर हम सब जिम में ट्रेन करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो एक चीज ओवरलुक कर देते हैं, दैट इज हाइड्रेशन। अभी हमारे पास थोड़ा ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो जो कि हम 5 कंज्यूम करने वाले हैं, वी हैव ग्लूकोज, ये डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट है, वी विल बी कंज्यूमिंग दिस बिफोर आवर वर्कआउट, सोडियम प्लस डेक्सट्रोज, एंड इससे पहले हमने थोड़ा कैफीन लिया, सो दैट इज द परफेक्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक दैट यू कैन हैव, सोडियम एंड वाटर फॉर कॉन्ट्रैक्शंस, ग्लूकोज फॉर द एनर्जी बूस्ट दैट वी नीड टू गेट आवर किक-ऐस स्ट्रेंथ सेशन इन, एंड आई हाईली रिकमेंड यू ट्राई दिस आउट, यू विल हैव क्रेजी कॉन्ट्रैक्शंस। सब जो लोग बोलते हैं ना कि सॉल्ट कम करना चाहिए, दे कुडंट बी मोर लाइक हाफ ऑफ द ट्रुथ, जस्ट ट्राई इट आउट, नॉट टू मच, बेसिकली 2 teaspoons, about 20-25 grams of glucose. Glucon D natural rata hai, har store mein milta hai, very cheap. And if you can also 1 banana for potassium. Notes le lo sab. Notes le lo. ठीक है. अरे सही सही लग रहा है, सही लग रहा है. तू पहले try करेगा. So पहला contender है हमारा यार साकेत, जो पहली बार try कर रहे हैं. PS से पहले. नहीं. नमक तो मैं लेता ही हूँ. आप सबको पता है. बटो बताओ. मैं omelette में डालता है भर भर के. पिज़्ज़ा 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 घटक जा, पूरा पूरा पिज़्ज़ा, बहुत नहीं है नमक, घटक जा, क्या है इसमें, पंकज से भी ढीट है, सिद्धांत क्या क्या है इसमें, इसमें ग्लूकोन डी है जो नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, नहीं आएगी, सोडियम है, नहीं
शागिद गोखले हेलो भैया वेरी नाइस टू मीट यू सर साकेत सौरभ मनोज साकेत गोखले यशानंद यश शर्मा सौरभ सौरभ हमें सर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया या सो अगर किसी को आपके जिम तक पहुंचना है कोई लैंडमार्क हमारा है तपोवन में तपोवन इंटर कॉलेज रोड पे आप आ जाइए बस यहीं पे आपको मिल जाएगा और मैं जिम का जो लोकेशन या लिंक है वो नीचे डाल दूंगा आप जरूर चेकआउट कीजिए दिखने में काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ है हम इसके पहले एक और जिम में गए थे बट उस जिम में बहुत कंजेस्टेड टाइप ऑफ फील आ रहा था और ज्यादा अच्छी लाइटिंग भी नहीं थी यहाँ पर इक्विपमेंट बहुत है बहुत वैरायटी है कलर्स अच्छे हैं लाइटिंग अच्छा है शुड बी अ गुड वर्कआउट ओके अब सुनो मेन डेडलिफ्ट कर पाएंगे या नहीं यहाँ पर यहाँ पर करना है डेडलिफ्ट ठीक है डेडलिफ्ट होता है यहाँ पर या नहीं चलेगा ना पक्का क्योंकि गिरेगा 200 के ऊपर से गिरेगा तो धीरे रखेंगे ना पटकेंगे नहीं ना बट तू खुद ही पटक क्योंकि पहाड़ों में ना जो अपर फ्लोर होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं पहली बात क्योंकि यहाँ पर नीचे फाउंडेशन उतनी गहरी नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है ना उसमें पत्थर होते हैं तो खुदाई नहीं होती लेग्स की हिम्मत तो नहीं है मेरे में किसी में है आज हम नॉर्मल बैक बाइसेप्स मुझे चलेगा मुझे चलेगा कुछ भी क्योंकि लेग्स के लिए ऑनेस्टली एनर्जी नहीं है साकेत एंड मी हम बैक एंड बाइसेप्स करने वाले हैं क्योंकि हमने अभी चेस्ट ट्रेन किया हुआ है कल का थोड़ा इनकंप्लीट फिर अभी हम रेस्ट देते हैं उसको अच्छे से और अभी तो ऐसे 6 बज गए हैं बट आई डोंट थिंक मेरे अंदर कोई एनर्जी है इसीलिए मैं थोड़ा सा प्री वर्कआउट लेने वाला हूं ये यश ने मुझे दिया लेट्स लिफ्ट यार Never to feel whole Isn't it so easy To lose yourself in time To draw a finish line To give yourself to one Beyond what's good and bad It kills me not to know